आज चिंतूर सेलू मतदार संघ के लोकप्रिय आमदार सौ मेघनाथाई साकोरे बोर्डीकर ने चिंतूर के अंदर पोतदार बिल्डिंग पोतदार इंग्लिश स्कूल के ऊपर रोजगार मेला रखा था, जिसके बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। कई हज़ार बच्चे यहाँ पर आज रोज़गार के लिए आए थे। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से 20 से 25 कंपनियों ने यहाँ पर सहभाग नोंद दिया था, और उसी के साथ चलते जॉब ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन के टीना ने भी यहाँ पर अपना सहयोग नोंद दिया था, जिसके अंदर उन्होंने 70 से 80 बच्चों को यहाँ पर जॉब दिया है, जिन्हें नौकरियाँ मिली है, और भविष्य में उन्होंने जिसका जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें भी वहाँ पर जॉब कार्ड देकर उन्हें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आने वाले वक्त में जैसे ही हमारे पास कुछ जगह निकलेंगी वहाँ पर आपको नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। युवा फाउंडेशन ये पूरे हिंदुस्तान से बेरोजगारों के लिए काम करती है। आइए हम देखते हैं युवा शक्ति फाउंडेशन के संचालक राहुल सर ने क्या बात कही है। फिर भी अगर आपके कंपनी में बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, रोज़गार उपलब्ध करना चाहते हैं, तो आपसे क्या कैसा कॉन्टैक्ट हो सकेगा? कहना चाहूँगा कि हम किसी से भी कोई भी चीज़ का कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, और इस जॉब में कंपनी में काम करने के लिए युवा शक्ति फाउंडेशन किसी से भी कोई भी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं लेती है। अच्छा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा। इसमें बच्चों को किधर भी पैसे भरने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अपने बच्चे हो, महाराष्ट्र के बाहर के भी बच्चे हो, तो यदि उनको सच में जॉब की ज़रूरत है, वैसे तो हमें हर महीने में 300-350 के ऊपर बच्चे लगते हैं। उनको कंपनी में क्या काम रहता है? सबसे पहले उनको कंपनी में आईटीआई हुए बच्चों को ऑपरेटर मशीन ऑपरेटिंग का काम रहता है, एज अ ऑपरेटर बन के लेते हैं, और जिसका डिग्री डिप्लोमा हुआ है उनको हम कंपनी में ट्रेनिंग इंजीनियर के पेरोल पे लेते हैं। जिसको हमने आपको पहले कहा कि नैप्स और नैट्स के अंदर में उनका एक साल का अप्रेंटिसशिप और एक साल का इंटर्नशिप कम्प्लीट करके देते हैं। उसमें कंपनी में गाड़ी के स्पेयर पार्ट बनते हैं, उसमें बच्चों को चेकिंग टेस्टिंग क्वालिटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम रहता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कंपनी में काम करते समय उनको एक टाइम खाना, एक टाइम नाश्ता, दो टाइम चाय कंपनी में काम करते समय कंपनी प्रोवाइड करती है। और रहने के लिए उधर हॉस्टल भी फैसिलिटी है, वहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, कि जैसे कि आने के बाद उनको कुछ इधर रूम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सुपरवाइज़र है हमारे उनको पिकअप करके डायरेक्ट रूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी लड़की हो, लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था है, लड़कों के लिए भी सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था है। तो जो कोई पुणे आना चाहता है पुणे रहेगा, कोई नागपुर में जॉब करना चाहता है, उसके पैन इंडिया में किधर भी किसी भी जगह पे लड़कों को जॉब की ज़रूरत हो, तो मेरा नंबर है, मेरा नाम राहुल सर करके सेव कर लीजिए, युवा शक्ति फाउंडेशन राहुल सर। उसके बाद मेरा नंबर ये है कि 82, मैं आपको एक बार नंबर बताता हूँ मेरा राहुल सर, 8237228078। मैं और एक बार आपको नंबर बताता हूँ, 8237228078। इस पर आप मुझे रिज्यूम भेजते हो, और आप मुझे सुबह आठ बजे से शाम के 6 बजे तक आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। ये नंबर कंटिन्यू चालू रहता है, तो उसको बच्चे का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा और उसका इंटरव्यू एक कैसा है कि आप ही समझ लीजिए कि बच्चा कोई स्टूडेंट या कोई रहेगा, जैसे कि वो अभी नागपुर में है, यदि वो पुणे आना चाहता है तो उसको हम डायरेक्टली नहीं बुलाएंगे, यदि उसका एक पहले ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा, यदि वो इंटरव्यू में ओके हो जाता है तो उसको हम डायरेक्टली पुणे बुला के उसको हम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।